शुरू करते हैं। तो जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है उसको मुख्यतः हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, जैसा कि डायग्राम में आप देख भी रहे हैं। तो पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा है सीपीयू और तीसरा है आउटपुट यूनिट। तो सीपीयू को फर्दर हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा है सीयू, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है मेमोरी। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट यूनिट की। तो इनपुट यूनिट में कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसकी सहायता से हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। तो कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइसेस हैं कि जिनकी सहायता से हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर कराते हैं। ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये कई रूपों में उपलब्ध होते हैं, और इन सभी के कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं। जैसे कि टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है जो कि हमारे डेटा या इंस्ट्रक्शंस को टाइप करता है। तो उसी तरह इनपुट डिवाइसेस के कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर, माइक्रोफोन, MICR, OCR, OMR, बार कोड रीडर इत्यादि। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं सीपीयू की। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ही कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम अधूरा है, यानी सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। तो सीपीयू से ही सभी डिवाइसेस जुड़े होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि। सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो सीपीयू का जो मुख्य काम है वो है डाटा को प्रोसेस करना, यानी यूजर के द्वारा जो प्रोग्राम इनपुट किए कराए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करना। इसके अलावा भी सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस के कामों को भी कंट्रोल करता है। तो सीपीयू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तो बात करते हैं एएलयू की। तो एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो एएलयू डेटा पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। तो एएलयू मेमोरी से डाटा को लेता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन को मेमोरी में ही लौटा देता है। ये जो एएलयू है इसके काम करने की स्पीड भी काफ़ी अधिक रहती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सीयू की। तो सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। तो सीयू कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करता है, यानी जैसे कि इनपुट डिवाइसेस को डाटा कहाँ से लेना है, उस डाटा को स्टोर कहाँ करना है, यूएलयू के डाटा का क्या करना है और प्रोसेस करके जो फाइनल रिजल्ट बनता है उसको आउटपुट डिवाइसेस तक कैसे भेजना है। तो ये जो सारे काम है ये कंट्रोल यूनिट से ही संभव हो पाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी एक स्टोरेज मीडिया है जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए दिमाग होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी डाटा को याद रखने के लिए एक मेमोरी होती है। मेमोरी किसी भी कंप्यूटर का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होती है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर एक सिंपल से या कोई छोटा सा भी टास्क नहीं कर सकता है। मेमोरी में जो डाटा है वो 0 और 1 के रूप में रहता है, यही दो नंबर्स को हम बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं। और ये जो प्रत्येक नंबर्स हैं ये एक बिट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई या यूनिट है वो बिट है। तो मेमोरी के कुछ और यूनिट्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा बिट बराबर है 0 या 1 यानी कि एक बाइनरी नंबर के, उसी तरह से 4 बिट बराबर है एक निबल के, 8 बिट बराबर है एक बाइट के, 1024 बाइट बराबर है 1 किलोबाइट के, 1024 किलोबाइट बराबर है 1 मेगाबाइट के, 1024 मेगाबाइट बराबर है 1 GB यानी कि 1 GB के, इस तरह से टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट और कुछ और बड़े यूनिट्स भी हैं जिनको कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
ये तो थे कंप्यूटर की मेमोरी के कुछ यूनिट्स। उसके बाद कंप्यूटर की जो मेमोरी है इसको हम दो भागों में बांटा हुआ है। पहली है प्राइमरी मेमोरी, जिसको कि मेन मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी की। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है, ये एक अस्थायी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी केवल वही डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है जिसमें कि कंप्यूटर अभी काम कर रहा होता है। इसकी बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है जब पावर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में बांटते हैं, रैम और रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद जो दूसरा टाइप है मेमोरी का, हुआ सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए हम अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कुछ बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी है ये डाटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होती है। इस मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मेमोरी है ये कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो स्थाई होता है। बोलने का मतलब ये है कि ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें जो डाटा स्टोर है वो डिलीट नहीं होता है, और आवश्यकता के अनुसार भविष्य में कभी भी जो इसमें फाइल सेव है या जो फोल्डर्स हैं उनको हम खोल कर देख सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं या उसमें कुछ और सुधार कर सकते हैं, एवं उस डाटा को डिलीट भी किया जा सकता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो मेन मेमोरी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो मेमोरी है ये स्लोअर होती है आपकी मेन मेमोरी से, और इसका जो डाटा है वो ट्रांसफरेबल है। बोलने का मतलब है कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें आती हैं। लास्ट में हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। ऐसे डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। हमने देखा कि इनपुट यूनिट के थ्रू डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कराया, उसके बाद उसी डाटा को सीपीयू ने प्रोसेस किया। अब ये जो प्रोसेस्ड डाटा है, या हम इसे इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जिन डिवाइसेज के थ्रू यूजर्स को प्राप्त होती है उन डिवाइसेज को ही हम आउटपुट डिवाइसेज बोलते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेज के कुछ उदाहरण जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर इत्यादि, ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं जिनके द्वारा जो रिजल्ट है या आउटपुट है किसी न किसी रूप में यूजर को प्राप्त होती है। तो इनके बारे में डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स थे उनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लिया है।